नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के पुलिस अब और ज्यादा एडवांस होने वाले हैं, क्योंकि राज्य के घने जंगलों, पहाड़ों और सुदूरवर्ती इलाकों में उग्रवादियों की गतिविधियों और शराब के कारोबार पर नजर रखने के लिए बिहार पुलिस अब ड्रोन का इस्तेमाल करने जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति यानी कि मार्च 2022 तक इन दो आधुनिक ड्रोन की खरीदारी पूरी कर ली जाएगी, जिसको लेकर प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जिसके बाद ऐसा पहली बार होगा जो बिहार पुलिस के पास अपना उच्च क्षमता वाला ड्रोन मौजूद होगा। पुलिस मुख्यालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार खरीदे जाने वाले ड्रोन को फिलहाल एसटीएफ को सुपुर्द किया जाएगा, ताकि वो इसका उपयोग दुर्गम इलाकों में चल रहे नक्सली ऑपरेशन में कर सके। इससे पहले बिहार पुलिस को सीआरपीएफ के ही ड्रोन का सहारा लेकर उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाना पड़ता था। अब एसटीएफ के पास अपना ड्रोन होगा। इसके अलावा इसका उपयोग सीमावर्ती इलाकों में शराब की तस्करी को पकड़ने के लिए भी किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि शराब की तस्करी को लेकर चौकसी बरतने में ये ड्रोन मददगार साबित हो सकता है। अब सवाल ये है कि बिहार सरकार इस ड्रोन के लिए कितने रुपए खर्च कर रही है, तो मिली जानकारी के अनुसार इस ड्रोन की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई गई है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य की पुलिस को स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत आधुनिक सामान की खरीद के लिए राशि मुहैया कराई जाती है। इसमें राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी रहती है। इसी SIS योजना के तहत करीब 22 करोड़ राज्य को मिलेगा। इस मद से दो ड्रोन के अलावा बुलेट प्रूफ गाड़ी, जैकेट और सैटेलाइट फोन समेत अन्य संचार उपकरण के अलावा कई आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे। इन आधुनिक उपकरणों की सहायता से पुलिस को सभी तरह के अपराध पर नियंत्रण करने में काफी सहूलियत मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि ड्रोन के उपयोग से पुलिस महकमा दियारा इलाके में बालू घाटों पर अवैध खनन और गया, जमुई और कैमूर समेत अन्य जिलों में सुदूरवर्ती इलाकों में अफीम की अवैध खेती का पता लगाने के लिए इस्तेमाल करेगा। इन इलाकों में पुलिस के लिए पेट्रोलिंग करना या जाकर प्रतिबंधित वस्तुओं को चेकिंग करना कठिन टास्क होता है। अब ड्रोन की मदद से एक स्थान पर ही बैठकर पूरे इलाके की सघन मॉनिटरिंग की जाएगी। इन दोनों के कैमरे बेहद उच्च क्षमता वाले होंगे। इससे दूर से भी एक स्पष्ट रूप से चीजों को देखा जा सकेगा। कम रोशनी में भी आसानी से काम करेगा। इसके अलावा इसकी स्पीड और बैटरी बैकअप अन्य ड्रोन के मुकाबले काफी बेहतर होगी। इससे यह किसी भी परिस्थिति में अच्छे से काम करने में पूरी तरह से सक्षम होगा, जिसके बाद आने वाले समय में बिहार पुलिस अपराध पर नियंत्रण लगाने में और ज्यादा कामयाब नजर आएगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।